सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सर, सदर साहब लिख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को कॉन्फिडेंस का वोट लेके दिखाएं, कितने मेंबर हैं आपके पास? मैंने आपको बताया ना कि इट इज ओवर, पार्टी ओवर। अच्छा, अब तो ये गन्ने के खेत के अंदर घुसे हुए हैं। इन्होंने कितने 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 फसल का नुकसान करके निकलना है वो एक अलग बात है, लेकिन ये कि निकलना इन्होंने खेत से है और फसल का इन्होंने नुकसान कर दिया, ये दो बातें तय है। अच्छा, निकलना इन्होंने है, नहीं निकलेंगे तो गांव वाले आके लाठियों से निकाल लेंगे। निकलना इन्होंने है। आमिर साहब क्या कमेंट करेंगे सर? गिल साहब का एक अपना मतलब है, सेंस ऑफ ह्यूमर का अंदाज है माशाल्लाह। और खैर, लेकिन अगर ऑन ए सीरियस नोट, वाकई ये जो जिस तरह से मैं समझता हूँ कि बहुत दबाव का शिकार है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत। और मैं एक और बात कोट करूँ कि एक तो खैर सियासतदान तजिए करते हैं, एक तजिए हम जैसे मतलब सहाफ़ी करते हैं, एक तजिए करते हैं कारोबारी अफराद। और क्योंकि उनका आपको पता है कि दौलत लगी हुई होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने पोजिशंस ली हुई होती हैं, तो वहाँ पर भी जो मिजाज है वो यही है कि जनाब इस हुकूमत के दिन और हफ्ते गिने जा रहे हैं और किसी को इस बात की तवक्को नहीं है कि ये जो हुकूमत है अपना जो इनकी ख्वाहिश है। जैसे मेरी इनसे कल मेरी बात हो रही थी, कुछ इनके कैबिनेट मेंबर से दो लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारी मंगल को रात को जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने फैसला किया कि जी हम जुलाई तक इस हुकूमत को खींचेंगे। अच्छा, तो उसमें मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा आपने खैर ख्वाहिशात ना क्या 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 ख्याल बांधे नादान होश में आ, क्योंकि जो मारूजी हालात उससे तो नहीं लगता कि आप हुकूमत पूरी करेंगे। तो खैर वो काफ़ी हुज्जत के बाद वो तस्लीम किया गया कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कारोबारी हलके देख लें, आप वो सहाफती हलके देख लें। फिर एक और बात, आप ये देखें कि नून लीग शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश होगी कि वो हुकूमत पूरी करें, लेकिन जो आपका इनका नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान है, मरियम साहब है, वो कहती हैं जी इंतखाबात होने चाहिए। अब इस ये किस चीज़ की गमबाजी करते हैं? ये गमबाजी इस बात की करते हैं कि खुद नून लीग में इतफाक़ राय नहीं है और नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी ये समझते हैं कि अगर स्टेबल हुकूमत शहबाज शरीफ ने चला ली तो कल उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक बात समझने की कि नवाज शरीफ साहब अभी जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, वो इंतखाबात में नहीं आ सकते, मरियम साहिबा के पास भी सूरत हाल है। तो अगर शहबाज शरीफ को साल दो साल मिल जाते, सवा साल मिल जाता है, तो जो ताकत का महवर होगा सियासत में वो उनके मतलब है उसके पास आ जाएगा, ख़ानदान के पास आएगा, जो मेरे ख्याल में बड़े भाई को काबिल कबूल नहीं है। तो आप ये देखें कि मिक्स सिग्नल आ रहे हैं और जो बाज़ उनके सहाफ़ी हैं जो नून लीग के करीब सहाफ़ी हैं कहते हैं जी इसमें भी हमारी हिकमत अमली है, मतलब इस तरह का भी मैसेज दिया जाना चाहिए, लेकिन ये जो मैसेज है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मजीद कमजोर कर रहा है। एक सुनी दिए भी थी ना कि शहबाज शरीफ साहब से कहा गया था कि जनाब आप इस्लाहात जो भी आप करना चाह रहे हैं या इस तरह के मामलात हैं मईशत को बेहतर करें से चीज़ें से ही करें, जुलाई तक आप अनाउंस कर दें और IMF के साथ डील कर लें और फिर जुलाई को अनाउंस कर दें, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं जो फैसले कर दूंगा चीज़ें महंगी कर दूंगा, मुश्किल फैसले कर लूंगा, मैं अपनी सियासी मामलात में बहुत पीछे चले जाऊँगा, मेरी हो जाएगी। और इसी चीज़ को लेकर वो शायद फिर नवाज शरीफ साहब के पास भी गए थे। और एक जनाब ये बात आपको भी समझ में आती है, मुझे भी समझ में आती है, जो सियासत से इंटरेस्ट रखता है उसको भी समझ में आती है, मरियम नवाज साहिबा कोई ऐसी बात नहीं करेंगी जो जिसमें नवाज शरीफ साहब की खुशनुदी हासिल ना हो, मुशावरत शामिल ना हो, उनकी ईमा शामिल ना हो। तो सर किस तरह से फिर शहबाज शरीफ साहब तो खुद चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए। नहीं, आप देखिए ना कि जो मरियम साहिबा, मैंने यही तो अर्ज किया ना कि मरियम साहिबा और उनके जो वालिद हैं वो चाहते हैं कि इंतखाबात हो जाए। शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि इंतखाबात को डिले किया जाए, उनके साथ जो कैबिनेट के मेंबर थे, पीपल्स पार्टी चाहती है कि साल सवा साल मिल जाए, MQM चाहती है कि साल सवा साल मिल जाए। और ये बात मैं आपको ज़राए से बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर आपको एक डिवीज़न नज़र आता है, खुद PDM में डिवीज़न नज़र आता है और ख़ुद नून लीग में डिवीज़न नज़र आता है। तो अगर आप समझें कि जी चीज़ें इतनी आसान हैं, अच्छा फिर लेकिन ये बात मानने की है कि शहबाज शरीफ साहब को इस बात का बिल्कुल इदराक है कि अगर वो मुश्किल फैसले करते तो उसका एक पॉलिटिकल कैपिटल है, उन्हें एक सियासी कीमत देनी पड़ेगी जो कि आसान नहीं होगी। मगर मैं फिर एक और चीज़ बहुत अहम है कि पाकिस्तान में जितनी कशीदगी और महाजराई है ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। इस गुब्बारे में से हवा निकालना ज़रूरी है, इस टेंशन को डिफ्यूज़ करना ज़रूरी है। उसका एक ही तरीका है कि जनाब एक आप अच्छी मजबूत केयर टेकर गवर्नमेंट लेकर आएँ और आप इंतखाबात का ऐलान करें, और बिलफर्ज के हमारी मईशत इस काबिल नहीं है कि आप इंतखाबात की तरफ जाएं, तो केयर टेकर हुकूमत जो है वो ज़रा सा कुछ 3 महीने आइन उसको देता है तो फिर अदलिया बीच में आ सकती है, उसको ज़रा सा एक्सटेंडेड पीरियड दिया जा सकता है, माहिर होना चाहिए और उसमें ऐसे लोगों के जो मतलब है सख्त फैसले करें, बिजली के उसमें सेक्टर में रिफॉर्म्स करें। ये भी तो एक कदगन है ना कि IMF निगरा हुकूमत से बात नहीं करेगा,
ये बात भी है कि अगर शहबाज शरीफ साहब अगर जुलाई में अगस्त में इलेक्शन अनाउंस कर देते तब भी आईएमएफ से बातचीत नहीं होगी, जो कि अभी चल रही है। हो सकता है कल कोई ब्रेक थ्रू जाए, परसों कोई ब्रेक थ्रू जाए, बीच में अगर आप उनके उस पर इंप्लीमेंट करना शुरू करें, क्योंकि आप कोई नया प्रोग्राम निगोशिएट नहीं कर रहे हैं, आप पुराना स्टॉल प्रोग्राम जो है उसको आगे लेके जा रहे हैं, तो उनकी शर्त है कि जी आप ये दो चार काम कर दें, वो मेरे ख्याल में जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो कर देगी। और जरा पाकिस्तान का इतना वेट है कि मेरे ख्याल में बैरूनी ताकतें भी नहीं चाहती कि वी आर टू बिग टू फेल एंड इट विल बी द ईजीएस्ट वे, कि डिफॉल्ट कर जाए कोई ऐसा मुश्किल हो, तो मतलब ये चीजें बेल आउट हो जाती है, लेकिन उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। ये जो रोज जलसे जुलूस हो रहे हैं, रोज एक तमाशा है कौन आया कौन गया। पंजाब आपने भी खुद फरमाया सबसे बड़ा सूबा, आधे से ज्यादा पाकिस्तान वो है, वहां पर गवर्नर नहीं है, वहां पर कैबिना नहीं है, वहां पर सीएम जो है क्वेश्चन मार्क है। ये मुल्क इस वक्त ऐसा है कि उसमें नामुकम्मल असेंबली है, ब्रोकन असेंबली है, नेशनल असेंबली पूरी नहीं है। तो आप ये जाली ओपोजिशन के जरिए तो आप नहीं चला सकते, फिर जो फैसले करेगी हुकूमत या ये पार्लियामेंट तो वो क्वेश्चनेबल होंगे। कैसे कैसे बनेगा आप ही बताना, ये तो वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से बनता है ना, अपोजिशन तो कोई है ही नहीं, तो मुशावरत किससे होगी? देखिए हम लोग वो बड़ी सादगी से बात करते हैं जी एक हिजब इख्तलाफ है जो पार्लियामेंट के अंदर है, लेकिन असल हिजब इख्तलाफ पार्लियामेंट से बाहर है, समझना चाहिए। फिर दो फरीक नहीं है खाली के, एक हुकूमत है और एक हिजब इख्तलाफ है, तीसरा फरीक पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की फौज है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, तो ये लोग भी हैं, उनको भी मतलब उससे ज्यादा दर्द होगा और इनको चीजें समझ में आती है। जहां सियासतदान बहुत सारी जगहों पे कोताबीनी का मुजाहरा करते हैं, वो बड़ा सेल्फ सर्विंग चीजें करते हैं, तो वहां पर मेरे ख्याल में इदारों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। इदारे चाहते कि हमें पोलिटिकल रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि वो कंबल को छोड़ दें, लेकिन कंबल उनको नहीं छोड़ रहा। तो बात यह कि अभी जो हालात जिस तरह के मुतकाजी हैं, वहां पर हमारे इदारों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है, उन्हें इस चीजों को डिफ्यूज करने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो बहुत बड़ी जाती होगी। जो फौज की ख्वाहिश है कि हम सरहदों की हिफाजत करें, बहुत अच्छी है, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन आपकी सरहदें उस वक्त महफूज होंगी जब आपकी रियासत, आपकी सियासत जो है उसमें इस्तेहकाम होगा, आपकी मईशत मजबूत होगी। सर, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ शहबाज शरीफ? वो इस वक्त क्या चाह रहे होंगे कि वो इलेक्शंस कराएं नहीं कराएं? आज तो वो आप सब देख रहे थे सर, ये बिजनेसमैन से पूछ रहे थे, आप बताएं कि मईशत को किस तरह से बेहतर करें, डॉलर को किस तरह से गिराएं, रुपए को मुस्तहकम करें, उनके पास कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी कि वो इस वक्त इस पोजीशन में है ही नहीं कि कराची को या वैसे ही मईशत के तौर पर कुछ दे सके। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, वो दो तीन जगहों से मेरे ख्याल में दबाव का शिकार है। उनकी अपनी पार्टी से उनके ऊपर दबाव है, इमरान खान साहब का दबाव है, फिर मईशत का दबाव है, ये सारे महाज बहुत ज्यादा है और उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। अगर रोड मैप होता तो सामने आ जाता, लेकिन उनकी जो दिली ख्वाहिश है कि वो सवा साल रहें, वज़ीर आज़म बनना बहुत बड़ा एजाज होता है, उस पर उनको अपने करप्शन के केसेस मैनेज करने, अपने करने, अपनी औलाद के करने, उनकी मतलब है पूरा ख़ानदान जो उनके ऊपर एलिगेशन हैं, मुकदमात हैं, इंडाइटमेंट होनी है, फिर नवाज शरीफ साहब पर मजीद केसेज हैं, मरियम साहिबा पर हैं, तो शरीफ खानदान की ख्वाहिश है कि किसी तरह उन केसेस को मैनेज किया जाए। लेकिन अब खुदा का करना ये हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो ले लिया, उन्होंने कहा जी आप तबादले नहीं कर सकते, आप एफआईए में नैब में जो है इधर उधर लोगों को नहीं कर सकते, जो ये कोशिश कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एहसान किया और ये दो दिन में तीन दिन में जो फैसले हुए हैं उससे इदारों का एतमाद कुछ ना कुछ अवाम में बहाल होना शुरू हुआ है। और अगर इसी तरह से चले, देखिए हमें जरूरत क्या है कि इदारे जो है वो कानून के मुताबिक और सच्चाई के मुताबिक फैसले करें, वो करप्शन को एंडोर्स करते हुए उसको उसके मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी करते हुए नजर ना आए। तो वही अब हमारे इदारे के लिए करते हैं, तो अवाम में जो एक बदतमीजी है, अवाम में जो गुस्सा है, अवाम जो नाराज़ हैं, लेकिन इदारों को भी बहुत कुछ और करना होगा, क्योंकि इंप्रेशन ये जा रहा है कि हमारी जो सिस्टम है वो करप्शन को कंडोन करता है, ठीक है, वो करप्ट लोगों को माफ कर देता है, तो ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। अगर खुदा ना खास्ता ये लोगों के जहनों में जड़ पकड़ गई तो फिर बहुत मुल्क के लिए, रियासत के लिए चैलेंज हो जाएगा। अच्छा, आसान खान ज्वाइन किया सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कैसे देख रहे हैं सर मौजूदा सूरतेहाल को आप? खान साहब आज अनाउंस करने वाले थे, अनाउंस नहीं किया उन्होंने, लेकिन इस वक्त भी जो मईशत के वाले से सूरतेहाल है गैर यकीनी मुल्क में बरकरार है और डॉलर किसी तरीके से लगाम आ नहीं रहा, और इसी तरह से गैर यकीनी की सूरतेहाल बरकरार रहेगी तो ये मजीद ऊपर जाएगा। जी शुक्रिया जी। देखिए मईशत की जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को एक बड़े संगीन बहरान का सामना है। हमारे जो ज़र मुबादला के जखायर हैं वो गिर रहे हैं और हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं, हमारा इम्पोर्ट बिल के जो पैसे हैं वो करीबन चार साढ़े चार हफ्ते के रह गए हैं। अब इसके अंदर इतनी सोच विचार के बाद हुकूमत ने एक बड़ा हाफ हार्टेड एफर्ट लिया है जिसका नुकसान ज्यादा है और फायदा कम है, और उसकी कुछ भी इम्पोर्ट नहीं है। जिन चीज़ों को उन्होंने बैन किया है
और उसके अंदर जो है वो भी कोई 100 मिलियन डॉलर करीबन महीने के जो इम्पोर्ट है, एक बड़ी सीरियस सूरत हाल है। दूसरी तरफ IMF का इस वक्त लेटर ऑफ कंफर्ट बहुत जरूरी है। IMF के साथ मुजाकरात का जो तकमील है उसकी कामयाबी बड़ी जरूरी है, क्योंकि बात यह है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ IMF से पैसे आने हैं, पैसा नहीं है। जब तक आपकी IMF के साथ डील नहीं होगी, आपके बाकी जो मल्टीलैटरल बायलैटरल इदारे हैं वो भी अपनी फंडिंग रोक देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो करंट अकाउंट है वो इस वक्त बड़ी खतरनाक हाल में फंसा हुआ है। अच्छा, अब दो मसाइल है, मसला है। एक तो सियासी मसला, सियासी मसला ये है कि जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो इस हुकूमत बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और हर एक की ये कोशिश है कि इकदार बच जाए और मुश्किल फैसला ना लेना पड़े, और कभी फैसलों की तलाश में मीटिंग करते हैं काबीना की, कभी लंदन जाते हैं, कभी इत्यादियों के साथ बैठते हैं, और फैसला कोई खास नहीं निकलता। मसलन ये जो इनका SRO नया आया है, ये खुदा पहाड़ है कि जी आपने कोई बात ही नहीं अनाउंस की। दूसरी तरफ ये है कि पंजाब के अंदर जो हालात हैं वो भी आपके सामने है, और इतना बड़ा सूबा जो है, क्या होगा पंजाब के अंदर, रूरल इकॉनमी है ना, उसमें गवर्नर है ना वजीर आला है, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर, क्या है, काबीना भी ना गवर्नर है ना वजीर आला है। अच्छा, अब इसमें एक नुकसान और होता है, और वही होता है कि जब ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में हो, मुल्क के अंदर ही सूरत हाल हो, तो आपके जो सरमायाकार हैं जो आना चाह रहे होते हैं मुल्क में, वो अपना काम रोक देते हैं, बड़ा सरमायाकार अपना सरमाया निकालने लग जाते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल हो जाती है, इनको पता नहीं होता कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, कल को बजट आना है तो बजट कौन देगा, किस तरह का बजट होगा। आपको लगता है नून लीग देगी बजट? गैर यकीनी की सूरत हाल जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको लगता है नून लीग ही बजट देगी? नहीं, देखिए नून लीग बजट तो अभी बहुत हनूज दिल्ली दूर है, 10 जून को डेट उन्होंने दे दिया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने दिन चल सकते हैं, अभी तो ये एक एक दिन और एक एक घंटा करके जो है ये गुजार रहे हैं, और ये जितनी जल्दी अपनी इज्जत बचा के इलेक्शन अनाउंस कर दें उतना अच्छा है, क्योंकि देखिए वो लोग जो किसी भी जिनका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं है, लेकिन जिन लोगों की नजर हालात हाजरा के ऊपर है, वो सारे लोग भी ऑब्जेक्टिव लोग भी है। पंजाब में आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल, सर हसान साहब आप देख रहे हैं क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? अभी ये 197 वोटों से जो है शहबाज शरीफ के साहबजादे ये कामयाब हुए थे, हमजा शहबाज, लेकिन उसके बाद अब 25 अराकीन उनको डीसीट कर दिया गया, 25 में भी 5 अराकीन आपको मिलेंगे क्योंकि वो खसूसी नशस्तों के हैं, 3 खवातीन की नशस्त हैं, 2 मिनोरिटीज की नशस्त हैं, आपको लग रहा है आप दोबारा हुकूमत बना लेंगे या आप इस तरफ आना नहीं चाह रहे अब? नहीं देखिए, हमारे पास नंबर तो हमारे उनसे ज्यादा है, और हम आपके कितने नंबर से सर? हमारे जी ये 5 मिला के मेरा ख्याल है गालिबन 173 हो जाएंगे, उनसे एक बंदा ज्यादा है। अच्छा, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ जी, लेकिन देखिए बात ये है कि ये जो हुकूमतें हैं ना, अब जो सिलसिला इन्होंने इतना गंद डाल दिया है कि इस वक्त एक एक सीट के ऊपर हुकूमतें, ऐसे सूबे और मुल्क नहीं चलते, मुल्क अच्छा खासा एक डायरेक्शन में जा रहा था, अब इस वक्त हमारी तमाम तर तवज्जो ये इस बात के ऊपर है कि आप फ्रेश इलेक्शन करवाएं, लोगों से फ्रेश मैंडेट लें और फिर आएं, क्योंकि ये भी अगर वफाकी हुकूमत नहीं चलेगी, पंजाब के अंदर वो रो रेट कायेंगे, तो ये मुल्क जो है वो मजीद नीचे जाएगा, और हमने मुल्क को ऊपर लेके जाना है, हम अपनी सियासत नहीं बचा रहे। और इस वक्त मेरा ख्याल है कि हर शख्स को इस वक्त मुल्क का सोचना चाहिए। ठीक है सर, आप पंजाब में आपको लगता है ये हमजा शहबाज अगर जब तक कोई मामला नहीं होगा, या आपको लगता है ये वजीर आला हैं, ये एक्टिंग वजीर आला चलते रहेंगे, या इसके अलावा भी कुछ मामला हो सकते हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि इनको खुद ही इज्जत से छोड़ देनी चाहिए। नहीं छोड़ते तो फिर क्या होगा? चिपक के बैठे तो जी, नहीं छोड़ते तो फिर कई चीजें हो सकती हैं। देखिये बहुत सारी चीजें हैं, गवर्नर जो है अगर हो वो एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, अगर वहां पर कोई गैप हो तो तहरीक आदम एतमाद इनके खिलाफ पेश हो सकती है, तो वो तो कई तरह गवर्नर तो नहीं है ना, परवेज इलाही साहब ने गवर्नर हाउस जाने को मना कर दिया, वो एक्टिंग गवर्नर हो सकते थे, वो ये कह रहे हैं कि मैं ऑलरेडी उम्मीदवार हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से वजीर आला की दौड़ का, तो सर कौन कहेगा, या सदर साहब कहेंगे? नहीं देखिए, 3-4 मैंने आपसे कहा ना कि रास्ते हैं, तहरीक अहमदाबाद भी आ सकती है, ये भी तरीका हो सकता है, उसके अलावा ये है कि अब जून के अंदर तो वैसे भी बजट का सीजन है, तो जून के अंदर अगर ये चल जाते जो कि अब तो नामुमकिन में से है, तो उन्होंने बजट भी पास करना था, तो ये हुकूमत ऐसे चल नहीं सकती, अब इनको खुद ही जो है ना अपनी बची कुची सियासत बचानी चाहिए मेरे ख्याल में, और इज्जत से जाना चाहिए, और आज उनको फिर एक दो दिन मिल गए हैं, तो 25 को जब ये अनाउंस हो जाएगा या दो दिन बाद इसकी 20वीं तारीख इंशाल्लाह। आमिर साहब आप अगर कुछ पूछना चाहें सर?
जो असल ऑब्जर्वेशन है ना, वो बात ये नहीं है कि मतलब है कि हुकूमत को जो है अपनी जान छुड़ानी है, जितना देर हो रही है उतना नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, और किसी भी तरह मतलब एक IMF के साथ डील हो, जैसे ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल दुरुस्त है कि जी वो जो मल्टीलेटरल और बायलेटरल आपको फंड्स आने हैं उसमें से आपके कदगन जो लगी है वो उड़ जाएगी, तो इस वक्त जो है रेस अगेंस्ट टाइम है फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी। और आप मीशत को उस वक्त तक बहाल नहीं कर सकते जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे, ये पहली और आखिरी शर्त है। शुरुआत यहाँ से होगी, आगाज़ मोहब्बत यहाँ से होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल में जितना जल्द मेरे ख्याल में इदारों को इसके लिए किरदार अदा करना होगा कि अगर इनको शहबाज शरीफ साहब को उनकी काबीना को समझ में नहीं आ रहा कि मामलात कितने दिगरगुं हो गए हैं, पर मुल्क को कितने खतरात दरपेश हैं, तो फिर लोगों को समझाना होगा, सिचुएशन को डिफ्यूज़ करना होगा। जी सलमान। अच्छा सर ये बताइएगा, अगर आने वाले दिनों में खान साहब अनाउंस कर देते हैं, लेट सपोज, एक चीज ये भी है कि आप लोग जब सारी कश्तियां जला के इस्लामाबाद की तरफ जाना चाह रहे हैं, अभी तो पिशावर आपका नेक्स्ट पड़ा होगा, केपी असेंबली क्यों बचा के रखी हुई है, ये कार्ड कब खेलेंगे, पंजाब असेंबली में हुकूमत की तब्दीली क्यों चाहते हैं सर, बलूचिस्तान असेंबली में एक सूरत हाल आ रही है तहरीक अदम एतमाद, तो एक तरफ आप कौमी असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं, इस्लामाबाद जाने की बात करते हैं, किसी से बात करने की बात नहीं करते, दूसरी तरफ सूबाई असेंबलियों में आप चाह रहे हैं कि जनाब हुकूमत तब्दील हो। देखिए बात यह है कि हम भी सियासत कर रहे हैं, हम जब इलेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ ये नहीं हम कह रहे कि वफाक के अंदर आप इलेक्शन कराएं, ये इलेक्शन तो जब भी होंगे ये वफाक में भी होंगे, सूबों में भी होंगे, इलेक्शन अनाउंस होंगे तो सारी जगह होंगे ना सर। जी जी बिल्कुल सारी जगह होंगे, ये तो मुख्तलिफ बिल्कुल ओवरऑल होंगे, ये तो मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन है, वक्त आने पर इसका इस्तेमाल भी कर देंगे, लेकिन अगर हम नेशनल असेंबली में नहीं बैठे तो ये समझना कि सूबाई असेंबली की सीटें हमारे लिए कोई हैसियत रखती हैं या हम उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते, ये गलत है। लेकिन ये है कि सियासी एतबार से जो मुनासिब है, लेकिन शायद उसकी नौबत नहीं आएगी, उससे पहले ही ये जो हुकूमत है ये गिर जाएगी और ये घर चले जाएंगे और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। सर उसकी तो एक ही सूरत नजर आ रही है ना, अगर आपके पास अभी एक ही स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद में बैठना, डिमांड करना, इलेक्शंस कराना, और अगर वो मना कर देते हैं तो उसके बाद की कोई स्ट्रेटेजी इस वक्त समझ नहीं आ रही, बड़े से बड़े तजियाकार को नहीं समझ आ रही कि फिर खान साहब क्या करेंगे। देखिए बात मैं आपको बताता हूँ, इस वक्त जो है ना हमारी जो एफर्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हुकूमत जो है ना ये भी हमारी मदद कर रही है, क्योंकि इन्होंने ना तैयारी की ना इन्होंने कोई काम किया, ये आप समझिए कि जैसे एक बर्फ के टल्ले पे बैठे हैं और रोज के हिसाब से बर्फ पिघल रही है, तो ये इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये तो हम तो जाएंगे जब आवाम का रेला जाएगा उसका तो जो प्रेशर वो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त हर गुजरता दिन जो है वो मुल्क को माली और मौशी मुश्किल में धकेल रहा है और इनकी चॉइसेस लिमिटेड हो रही है, इनकी अपने पास जानते हैं और आपको पता ही है कि कितनी दफा बैक एंड फोर्थ पेंडुलम की तरह कभी इधर कभी उधर और कोई फैसला नहीं निकल रहा, तो ये उतना दिन को नजर आ रहा है कि हम फैसला नहीं कर रहे और जो है ये गाड़ी जो है तेज रफ्तारी से इनकी एक बंद गली में दीवार की जाने बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन का जो आज फैसला है उसको सर वेलकम करेंगे ना आप लोग, आपके मौके की फतह हुई है, जो उन्होंने कहा कि मुनरिफ अराकीन है और इनको डीसीट कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।